हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो बात करते हैं TGT सोशल साइंस का जो फॉरम है उसके बारे में, जो आपका HSSC TGT भर्ती में निकला है। और ये खासकर आपका मेवात जो कैडरे है, आपका मेवात कैडरे है उसके अंदर ये आपकी TGT सोशल साइंस की जो वैकेंसी हैं वो आई हैं। तो इसमें क्या समस्या आ रही है कि बहुत सारे साथी करीब 1 मार्च या उससे पहले से ही इस फॉरम को अप्लाई कर रहे हैं और अब तक भी जो फॉर्म है उनका अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और जो आपका HSSC है उसका सिस्टम है वो क्या हो चुका है, ठप। देखिए, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। यू डू नॉट फुलफिल अनदर क्वालिफिकेशन, देखिए आप कितने सारे, आप कुछ भी देखिए, आप सभी में यही आएगा, यू डू नॉट फुलफिल अनदर क्वालिफिकेशन। मतलब ये सारे सारे पागल हैं क्या, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? जो ये पागल हैं, ये 10वीं बेस पे फॉर्म भर रहे हैं क्या है? यानी कि HSSC क्या समझ रही है कि ये सारे सारे पागल हैं? देखो, ये देखो आप, ये 17 नंबर की जो पोस्ट है, ये 17 नंबर की, आपके 18 नंबर की, 17 नंबर पर आपका TGT सोशल साइंस है, TGT SST। और उसका देखिए आप ये व्यू, इसमें आपका एरर दिखा रखा है। मतलब सरकार ने क्या सोच रखा है, देखिए फॉर्म अप्लाई करते हैं सर्वर एरर आ जाता है अपने आप ही। अरे सरकार यही कह दे, HSSC कह दे क्लियर कि भाई हम आपको लगा नहीं सकते, भर्ती आपके लिए नहीं है। देखिए, कभी आपका एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी एरर आ जाता है, मतलब एरर ही एरर है। इनका जो पूरा सिस्टम है वो खाली एरर पर चल रहा है। कभी हाई कोर्ट इन पर 2 लाख का जुर्माना लगा देती है। मतलब अब तक भी HSSC सुधर नहीं रही है, इनमें सुधार नहीं होने वाला है दोस्तों, इनमें सुधार नहीं होगा। देखिए आप, TGT सोशल साइंस मेवात की वैकेंसी, एलिजिबिलिटी आ गई है उनकी, भाई ने अप्लाई किया है, अब आप देखिए क्या आ रहा है, यू डू नॉट फुलफिल अनदर क्वालिफिकेशन। अब बताइए कैसे होगा। और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 तारीख आने वाली है। अब ये देखिए, एक और मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ अलग अलग फोरम के, जो कि हमारे पास आते रहते हैं ग्रुप में, और उनके जो फोरम है वो कभी अप्लाई नहीं हुए हैं अभी तक भी। अभी तक भी वो भाई मैसेज ही कर रहे हैं, यहाँ तक कि HSSC को भी मैसेज किया है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आता। उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है वो बंद हो चुकी है। अरे कम से कम क्लियर कह दो कि हमको फॉर्म नहीं भरवाना, किसी को नहीं लगाना, हमारे पास बंदे नहीं हैं, हम बस खाली सरकार की तनख्वाह खा रहे हैं, पब्लिक का पैसा खा रहे हैं हम सरकार का। जब आपको नहीं लगाना तो मना कर दो। जो आपके हेल्पलाइन नंबर पर है वो आपका 10 बार में फ़ोन करोगे आप तब उठाती है। उठाने के बाद उसके देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, मतलब वो हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या हुआ? अरे एडवर्टाइजमेंट तो सारे देखे हुए हैं, जब आपकी वेबसाइट में दिक्कत है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ने का फ़ायदा क्या? पता नहीं क्या गवार लोगों को लगा रखा है HSSC में, क्या चेयरमैन, क्या बिल्कुल यार किस लेवल का आदमी है चेयरमैन, जो कुछ जो इनकी समस्या को नहीं देख रहा TGT वालों की। किसी का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा, किसी की फीस नहीं कट रही, वेबसाइट इनकी खुद की चल नहीं रही। कैसा सिस्टम है, कैसी इनकी वेबसाइट है, कैसा इनका ऑफिस है, कैसे इनके हेल्पलाइन नंबर है? तो दोस्तों, जिस भी TGT सोशल साइंस वाले के फॉर्म में ये दिक्कत आ रही है तो भाइयों आवाज़ उठाइए, मैं आप सभी के साथ हूँ। ऐसे तो आपका फॉर्म रह जाएगा और आप इस वैकेंसी से वंचित रह जाओगे। बस इतना ही मैं कर सकता था, मैंने आपके लिए इस पर वीडियो बनाई। अगर मेरे पे इससे और कुछ ज़्यादा हो पाएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।